हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज टोकेंस, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स। इससे पहले हमने क्या देखा था, एक हमने पार्ट थ्री बनाया था, उसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, ये क्या होता है, एक हैश क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, ये हमने सारी चीज़ें उसमें कवर की थी। पर उसमें उनकी जो लाइन है उन्हें हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जैसे टोकन्स क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल को हम डिक्लेयर क्यों करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे, डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये देखना ज़रूरी है बहुत ही, ये इसमें बहुत ही अच्छी डिफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो टोकन्स पर आते हैं, टोकन्स क्या होता है, तो सी लैंग्वेज में टोकन्स एक साधारण या सिंपल यूनिट या एलिमेंट की तरह है, जो टोकन अदर स्पेस के द्वारा सेपरेट होता है, एंड टोकन्स के अंतर्गत कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट, पंचुएटर्स एंड ऑपरेटर्स, ये सभी आते हैं। ये क्या होता है, हमारा टोकन्स हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, आइडेंटिफायर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफायर एक ऐसा नाम है, क्या है, एक ऐसा नाम है जो दिए गए प्रोग्राम एलिमेंट में, जैसे वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे, आइडेंटिफायर एक ऑब्जेक्ट का नाम भी होता है जो कि डिफरेंट वैल्यू को रख सकता है, लेकिन एक टाइम पर कोई एक वैल्यू, एक बार जो वैल्यू आइडेंटिफायर को असाइन कर दी जाती है तो एग्जीक्यूशन टाइम पर वह चेंज नहीं होती है। अब हम इसका एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हमने लिखा इंट ए इजकल टू 4, ये आइडेंटिफायर है, इससे क्या होगी, 4 वैल्यू असाइन हो गई जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पर, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा नेम है या कह सकते हैं कि एक ऐसी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मेमोरी यूनिट की तरह है जो कि सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, क्या कर सकता है, सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। वेरिएबल में की गई वैल्यू एग्जीक्यूशन टाइम पर चेंज की जा सकती है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है उस तब हमारी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जैसे डिक्लेरेशन के ठीक बाद हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे इंट ए, जहाँ ए एक वेरिएबल है, यहाँ ए एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, याद रखना। अब हम आते हैं थर्ड पर, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या है, डिक्लेरेशन से मींस कंप्यूटर को यह बताना होता है वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है, जिससे कि वह कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए फॉलोइंग सिंटैक्स है, हम एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे। डेटा टाइप, एग्जांपल में देखिए, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ठीक है, जैसे कि अब हम एग्जांपल ये समझिए इंट ए, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को यूज़ तभी किया जा सकता है जब उसे ग्लोबल सेक्शन में या मेन फंक्शन के ठीक बाद डिफाइन किया गया हो, यह हम आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, आपको समझ में आता जाएगा ये सब क्या हो रहा है। देखिए, इनिशियलाइजेशन से मींस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसमें वैल्यू स्टोर करने से होता है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा इंट एज इक्वल टू 2, हमने 2 वैल्यू एक को असाइन कर दी, तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब कि इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से मींस कि हमने डिक्लेयर करते समय क्या कि वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे हमने ये लिखा एज इक्वल टू 2। कीवर्ड्स, कीवर्ड में हम क्या देखते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए सी लैंग्वेज में डिफाइन किए गए कुछ ऐसे वर्ड जो फिक्स्ड होते हैं, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, वह कीवर्ड या रिजर्व्ड वर्ड कहलाते हैं। ये फॉलोइंग हैं, जैसे कि इतने 32 कीवर्ड्स होते हैं, जो कि मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं डेटा टाइप, एक्चुअली में डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप किसी भी डेटा के टाइप को बताता है, क्योंकि डेटा डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे इंटीजर टाइप हो गया, करेक्टर टाइप हो गया, रियल टाइप हो गया, स्ट्रिंग टाइप हो गया आदि, क्योंकि वेरिएबल का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है।
फिर से समझते हैं, क्योंकि वेरिएबल का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। डेटा टाइप यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस डेटा टाइप को सिंगल कॉमा में लिखा जाता है वह करेक्टर टाइप का होता है। ये क्या होते हैं करेक्टर टाइप का है, हम कैसे पता चलेंगे? ये रूल्स होते हैं डेटा टाइप्स के, ठीक है, जो कि मैं पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंडेट करूँगा कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जिसे डबल कॉमा में लिखा जाता है वह स्ट्रिंग टाइप का होता है। जिसे डबल कॉमा में लिखा जाता है वो कैसा होता है? स्ट्रिंग टाइप का होता है। जिसे सिंगल में लिखा जाता है वो करेक्टर टाइप का होता है, क्योंकि प्रोग्राम कंपाइलर द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया जाता है या बदला जाता है, इसलिए उसे यह बताना ज़रूरी होता है कि डेटा किस टाइप का है। तो ये हमारा हो गया डेटा टाइप, वेरिएबल डिक्लेरेशन, टोकन्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, ये सब क्या होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।